इतनी लड़ाइयाँ होती, इतनी लड़ाइयाँ होती थी। मैं गैंग का लीडर था, जिस गैंग के दोस्तों में बैठने से मुझे मेरे घर वाले कहते थे कि बेटा इन लड़कों में मत बैठो, ये तुम्हें खराब कर देंगे, उस गैंग का लीडर ही मैं था। कुछ उनको पता है कि इनका जो सीन है वो शाम 5 बजे हमने शाम में करना है, लेकिन वो टाइम उनको देते हैं सुबह 9 बजे का, 6 घंटे लाके बिठाते हैं, फिर उनको जिस तरह पेमेंट होती है कुछ चैनल्स में तो अच्छे तरीके से पे कर देते हैं, मगर दूसरी जगह पे बहुत मुश्किल उनको हो जाती है। मैं रोए जा रहा था और मैं चुप ही नहीं हो रहा था, तो फिर जो हमारे डायरेक्टर थे अहमद भट्टी और सबा कमर, सबा जी, वो साथ वो एकदम आए, उन्होंने फिर चुप कराया थोड़ा, 5-10 मिनट मुझे लगे, फिर मैं सीन से वापस आया नॉर्मल लाइफ। पंजाबियों में क्या होता है कि पंजाबियों का ह्यूमर एक डिफरेंट लेवल का, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे लिए जो बात नॉर्मल है ना, वो जो जैसे जो कराची में जो लोग रहते हैं या जो जैसे आप उर्दू स्पीकिंग, तो मैं भी हूँ, मैं पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, लेकिन ये कि यहाँ पे जो है ना लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि पंजाबी ह्यूमर जो है ना वो यहाँ पे बड़ा ऑफेंसिव समझा जाता है। मेरी ये पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत फ्रेंडली है। आई थिंक जो हम लोगों ने एक दमाद का कैरेक्टर बनाया हुआ था ना, जो हम अपने ड्रामों में दिखाते हैं, जो बड़े सख्त होते हैं और बहुत ही जो है वो सख्त मिजाज होते हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा होता है कि आप फ्रेंडली हो जाओ, और फ्रेंडली होके आई थिंक ज्यादा जो है वो आपकी रिस्पेक्ट रहती है, बनिस्बत इसके कि आप झूठी रिस्पेक्ट बनाएं और एक अपने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मुनीब, आप कैसे हैं? आई एम गुड, बिल्कुल ठीक। भाई, मैं एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। हम सोच रहे थे कि क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो आप बताएं हम आ जाए, टाइम मिल सकता है आपका? अरे जरूर जरूर आइए, बिल्कुल। It will be my pleasure to host you guys. Please come. Excellent, sir. अच्छा, इफ्तारी हमारी तरफ से होगी तो तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। फिर तो सबको ले आए, कोई इशू नहीं है। बेहतरीन हो गया, फिर आपसे मुलाकात होती है शाम में। आ जाए। ओके जी, खुदा हाफिज़। पिज्जा दे दें, ठीक है, रोल कर दें, समोसे कर दें, और ये वोंगटॉन्स भी काफी मजे के लग रहे हैं, मिक्स पकौड़े भी दे दें, और ये जो बड़े मजे के चिकन स्ट्रिप्स लग रहे ना ये भी पैक कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप लोग, काफी देर से इंतजार कर रहा था मैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो रमजान मुबारक एंड वेलकम टू इफ्तार विद द स्टार। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक और तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक जी, जैसे आपने कहा था कि आपको ये सारी पसंदीदा इफ्तारी हम आपके लिए आए हैं, थैंक यू। अरे भाई जबरदस्त, थैंक यू की कोई बात नहीं है, थैंक यू। हम मिलकर इफ्तार करेंगे, ये आप रखवा सकते हैं किसी को भी। बेटा ये रख दो जरा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे घर पे तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए बैठते हैं, तशरीफ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चल रहे हैं तो रोजे में अभी टाइम है काफी, तो मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आप लोग क्या खाएंगे पहली दफा। नहीं, हमारा रोजा अल्हम्दुलिल्लाह, रोजा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा जी बताएं कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है जिंदगी में आजकल? अच्छा, बहुत कुछ हो रहा था जिंदगी में, अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। मेरा एक ड्रामा सीरियल है शिद्दत, जिसका अभी अभी 2-3 दिन पहले ही पैकअप हुआ है, तो अब थोड़ा सा सुकून है, थोड़ा आराम है। पिछले 6 महीने बहुत ज्यादा शूटिंग हो गई थी, तो सुकून है। एक्सेलेंट। और उसका रिस्पांस कैसा है ड्रामे का? रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा लोग किरदार को पसंद कर रहे हैं, सुल्तान को। एंड अभी तो ड्रामा स्टार्ट हुआ है, अभी तो आई थिंक उसकी 7-8 एपिसोड्स ही होने रही हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं। ओके ठीक है। अच्छा, बचपन से एक्टर बनना था? बचपन में तो मुझे शौक था कि मैंने फौज में जाना है, उसके बाद फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर पुलिस की तरफ माइल हो गया दिमाग, और बाद में फिर मैंने सोचा कि कैरेक्टर्स ही कर लूंगा सारे। अच्छा। और फिर अभी आप व्लॉगिंग भी कर रहे हैं? व्लॉगिंग जस्ट ऐसे ही है बस, मतलब जब कभी फारिग होते हैं, कुछ नहीं होता करने के लिए, तो मैं अपने दिमाग को जो है ना वो खाली नहीं रखता, ऑक्यूपाइड रखता हूँ कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पे, और अपने आप को हमेशा कोशिश करता हूँ कि कंफर्ट जोन से निकालूं। Okay, मतलब अगर मैं किसी दिन मैं फ्री हूँ तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं घर पे बैठ के आराम करूँ या बिस्तर तोड़ूं, मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि मैं निकल के कुछ शूट कर लूँ, कोई ब्लॉग बना लूँ या कोई प्रोडक्टिव काम कर लूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और अच्छा है कि जितनी प्रोडक्टिविटी होगी इंसान का जो माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है, तो जब माइंड की बात आ रही है, प्रोडक्टिविटी की बात आ रही है, तो सर हम थोड़ा सा मेमोरी लेन में आपको लेके चलते हैं टुवर्ड्स। आप बैठे तो मैं बिल्कुल बैठ रही हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो हाँ हम आपको थोड़ा मेमोरी लेन में लेके चलते हैं टुवर्ड्स योर स्कूल एंड टुवर्ड्स योर कॉलेज। कितने मिस्चीवियस होते थे, कॉलेज लाइफ कैसी थी, एंड देन नाउ यू आर एन एक्टर। स्कूल लाइफ बहुत ही खतरनाक थी, खतरनाक इन सेंस के बहुत, मतलब कोई भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड नहीं था जिसमें ये कॉम्प्लीमेंट ना मिला हो कि आपका बच्चा एक तो बहुत टॉकेटिव है, बहुत केयरलेस है, पढ़ने में बस ठीक है लेकिन शरारतों में बहुत ज़्यादा आगे है, इसको संभालें। और कॉलेज का जहाँ तक मुझे याद है तो
कॉलेज में यूजुअली होता क्या है कि जब सेकंड ईयर से आप पास आउट हो रहे होते हैं तो फर्स्ट ईयर के बच्चे आपको एक फेयरवेल पार्टी थ्रो करते हैं, तो उसमें जो कॉलेज के मशहूर तरीन 5-6 लोग होते हैं तो उनको एक टाइटल से नवाजा जाता है। बिल्कुल। तो मेरा टाइटल ही यही था कि कॉलेज के बाहर मिल, ये मेरा, क्योंकि ये मेरी टैगलाइन होती थी, मेरी इतनी लड़ाइयाँ होती थी। मैं गैंग का लीडर था जिस गैंग के दोस्तों में बैठने से मुझे मेरे घर वाले कहते थे कि बेटा इन लड़कों में मत बैठो, ये तुम्हें खराब कर देंगे, उस गैंग का लीडर ही मैं था। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड अ लिटिल बर्डी आल्सो टोल्ड मी यू हैड अ रेड शरार्ट एज़ वेल। हाँ, एक मेरे पास रेड शरार्ट थी, अब्बू ने मुझे दी हुई थी। हाँ जी। और टू डोर शरारती स्पोर्ट्स। बिल्कुल। मेरे पास उस टाइम पे पूरे कॉलेज के अंदर सिर्फ दो लड़के जो है वो गाड़ी लेकर आते थे, जिसमें एक मैं था और एक दूसरा मेरा दोस्त था आलम शेर, अभी भी मेरा दोस्त है, कल भी साथ ही था। तो हम दोनों के पास गाड़ी होती थी और मेरी गाड़ी के ऊपर पीछे मैंने वो नंबर प्लेट लिखा होता था, उसके ऊपर लाइसेंस टू किल। बहुत ही छिछोरी है, बहुत ही, मैं बिल्कुल रिग्रेट करता हूँ उस छिछोरेपन को, लेकिन बस बच्चे होते हैं। हाँ जी, मतलब बच्चों का दिमाग, लेकिन आई मीन वो गुड रिग्रेट है ना, मतलब फन टाइम्स थे वो, फन टाइम्स थे। लेकिन आज अगर कोई बच्चा इस तरह से करे तो मैं तो उसको बड़ा वो तो बोलिए कौन से पार्टनर है, क्या हो रहा है, क्या छिछोरेपन है। अच्छा, हाउ जिम्मेदार आर यू इन योर लाइफ? जिम्मेदारी जो है वो शादी से पहले तो नहीं था, लेकिन जब शादी हो जाती तो फिर डेफिनेटली इंसान को जिम्मेदार होना पड़ता है एक अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ गुजारने के लिए। तो अब हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जिम्मेदार मैं हो गया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सी गुंजाइश है कुछ चीज़ों के अंदर, गैर जिम्मेदारी का सबूत देता हूँ, बट आई सर से कवर करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, आई नो देयर इज ऑलवेज यू नो देयर इज अ बॉय इन एवरी मैन, तो वो तो नहीं मर सकता ना, आई थिंक सो। तो अच्छा सही है, अब तक कितने ड्रामे आपने कर लिए, हैव यू लॉस्ट द काउंट और यू स्टिल रिमेंबर? नहीं, गिना तो मैंने कभी है ही नहीं, बरकत उठ जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, पैसे नहीं गिनो बरकत उठ जाती। अच्छा खैर, नहीं मुझे अभी तक, मैंने आई थिंक 2017 में मैंने पहला लीड प्रोजेक्ट, वैसे मैंने बहुत सारे ड्रामे किए जिसके अंदर मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले कर चुका हूँ, और बहुत कभी कभी कुछ ड्रामे तो ऐसे भी हैं जिसमें मैं हूँ और मैं नहीं भी हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे प्लेज हैं, लेकिन मेन लीड प्रोजेक्ट जो मुझे मिला था, आई थिंक वो तुम याद आए में मैं पहली दफ़ा टाइटल पे आया था। रिश्तों की डोर भी था एक बहुत पहले 2014-15 में, लेकिन तुम याद आए और उसके बाद फिर कोई चांद रख और जिंदान, और फिर वहाँ से आई थिंक 2017-18 के बाद से, कोई चांद रख के बाद से फिर मैं लीड पे आ गया था। तो उसके बाद से तकरीबन हो गए होंगे तकरीबन 8-10 प्लेस हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आपको फर्स्ट कास्ट की कॉल आई थी, लाइक फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ना, फर्स्ट ऑडिशन, फर्स्ट ड्रामा और वो फर्स्ट पे चेक, उस वो फीलिंग और एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे कॉल तो कभी भी नहीं आई थी, मैं खुद ही गया था ऑडिशन देने के लिए। अच्छा। तो उसका जो पहला पे चेक था वो आई थिंक वो पीटीवी का था, और वो था और उसमें मैंने एक बहुत ही छोटा एक दो सीन का मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना था, और असद मलिक साहब के साथ मेरा एक सीन था जिसके मुझे 575 रुपये मिले थे, और वो चेक कैश भी नहीं हुआ, वो एज इट इज़ मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है नीचे, पहला चेक है 550 रुपये का। जबरदस्त भाई, मतलब वो एज अ मेमोरी हो गई वो आपके पास, वो अभी भी रखा हुआ है मेरे पास। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया कि वेयर यू थॉट यू जस्ट वांट टू गिव अप एंड आपने कहा कि नहीं यार, आई थिंक सो एक्टिंग मेरे बस का काम नहीं है? जी बिल्कुल, आई थिंक एक दफ़ा शायद अभी जहाँ पे मेरा घर है उसके सामने एक ऑडिटोरियम है, तो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि आप वहाँ जाके ऑडिशन दे दें, वहाँ पे जो है वो एक थिएटर, जो कमर्शियल थिएटर जिसको कहते हैं स्टेज प्ले है, वो प्रिपेयर हो रहा है। तो मैं वहाँ पे किसी रेफरेंस से गया, तो उन्होंने बहुत मिसट्रीट किया, बहुत रिडिक्यूल किया, तो वो जो ह्यूमिलिएशन थी वो मैं सह नहीं सका डेफिनेटली। मैं फिर घर आके मैंने बोला यार आई थिंक आई शुड गिव अप, बट अल्लाह ताला का करम है कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट करके समझाया कि दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, आपको आप अभी कोई नाम नहीं होता जब तक तो इंसान की कोई पहचान नहीं होती, तो रिस्पेक्ट भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। टाइमली आप सब चीजें गेन करते हैं तो लगे रहो, तो मैं लगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीलेंट, यानी हसल मैटर्स अ लॉट। हां डेफिनेटली। तो शोबिज के अंदर जाहिर सी बात है, एक होता है स्ट्रगलिंग एक्टर, फिर एक होता है वो इंसान जिसका ऑलरेडी वो कहते हैं ना सिल्वर स्पून कहा जाए, तो इस शोबिज का अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा, like in a positive way and a sort of in a negative struggle way. करने का हाँ हर चीज का, मतलब इस showbiz का, पाकिस्तानी showbiz का क्या है सबसे ज्यादा drawback? drawback तो देखें हर काम के होते हैं, उसको हर इंसान अपने experience के हिसाब से perceive करता है। जो experience मेरा रहा है वो शायद किसी और बच्चे का ना रहा हो, fair जिसके कोई relative हो या जिसका कोई जानने वाला हो, और वो कोई गलत बात नहीं है, अगर मेरा भी कोई relative होगा तो definitely मैं उससे बोलूंगा कि यार मुझे refer करो, इसमें कोई बुराई नहीं है।
मेरा जहाँ तक तजर्बा रहा है तो मुझे ड्रॉबैक ये लगा, और अभी भी मैं बहुत सारे जो अपने एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं, मेरे एडीज़ हैं, उनसे अक्सर मेरा इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि मैं उनको ये कहता हूँ कि यार आप अगर जूनियर एक्टर है, पहली बात तो ये कि जूनियर एक्टर को एक्स्ट्रा मत कहा करें, ये बहुत ही कोई तजहीक आमेज लफ्ज है एक्स्ट्राज। हम लोग यहाँ पे कहते हैं एक्स्ट्राज, बिल्कुल भाई कोई एक्स्ट्रा नहीं होता, ठीक है, हर किसी का अपना अपना पार्ट होता है जो प्ले कर रहा होता है। अगर जूनियर एक्टर नहीं हो तो हम वो सीन क्रिएट ही नहीं कर सकते। अगर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाना है, हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाना है, तो जूनियर एक्टर्स अगर हमारे साथ नहीं होंगे तो हम वो एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। तो वो उनको रिस्पेक्ट देना हमारा फर्ज है, वो भी हमारे पार्ट है हमारे प्ले का, हमारी टीम का। बट ये कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप कुछ उनको पता है कि इनका जो सीन है वो शाम 5 बजे हमने शाम में करना है, लेकिन वो टाइम उनको देते हैं सुबह 9 बजे का, 6 घंटे लाके बिठाते हैं, फिर उनको जिस तरह पेमेंट होती है कुछ चैनल्स में तो अच्छे तरीके से पे कर देते हैं, मगर दूसरी जगह पे बहुत मुश्किल उनको हो जाती है। फिर उनको ट्रांसपोर्ट नहीं देते, मतलब कि और जो दूसरे भी सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं जो स्ट्रगल करके अभी ऊपर आ रहे होते हैं, तो उनसे जो रवैया होता है वो बहुत डिफरेंट होता है बनिस्बत जो लीड कर रहा होता है। इस तरह जो जब डिफरेंस होता है, जब भेदभाव रखा जाता है, तो फिर वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा फील होता है, आपको उस वक्त पता नहीं चल रहा होता, लेकिन जो जूनियर एक्टर है या जो सपोर्टिंग कैरेक्टर कर रहा होता है उसके दिल पे क्या गुजर रही होती है ये आप नहीं जानते, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बिल्कुल, वो डिस्क्रिमिनेशन आप बिल्कुल फील करके आप यहाँ पे आए, लेकिन रिफ्रेशमेंट आ रही है तो जिस वो है उनके लिए अलग बड़े एक्टर्स के लिए आ रही है, दूसरों को कहा जा रहा नहीं आपके लिए ये नहीं है, आपके लिए जो है ये है, तो वो आपको एक फील हो रहा था यार कि हम कमतर हैं या हम आना चाहिए तो सबके लिए बराबर आना चाहिए। अगर जो लीड एक्टर है अगर वो अपने लिए कुछ चीज ऐसी मंगा रहे हैं तो फिर सबको ये होना चाहिए कि सब मंगाए अपने लिए, अगर मतलब ये कि सेम होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और जब जाहिर सी बात है जब डिस्क्रिमिनेशन की बात आ ही रही है तो मैंने देखा है कि आपने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी हैं, यू आर वेरी यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग विथ योर रूट्स, इसका सबसे बड़ा क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि जो इंसान ज़मीन पे बैठा होता है वो कभी गिरता नहीं है, इंसान वही गिरता है जो ऊंचाई पे अपने आप को ले जाता है। तो रूट्स बंदा उस वक्त छोड़ता है कि मैं आपको बताऊं, जब आपको एक जब आपका माइंड तैयार ना हो बहुत सक्सेस के लिए या बहुत ज़्यादा पैसे के लिए, और एकदम आपके पास बहुत सक्सेस और बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए और आपकी माइंड में वो कैपेबिलिटी नहीं है उसको हैंडल करने की, तो इंसान जो है वो फिर हवा में चला जाता है। जब आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्ट्रगल करके चीज़ों को गेन करते हैं या उनको विन करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप ज़मीन से जुड़े रहते हैं। लेकिन किसी ने मुझसे एक दफ़ा पहले ये भी सवाल किया था कि आपके पास अगर ये मौका हो कि आप आज मौका हो आपके पास कि आप कल सक्सेसफुल हो सकते हैं, और दूसरा मौका ये कि आपने वही 5 साल स्ट्रगल करके आना है तो आप क्या आएंगे, तो मैंने उसको जवाब दिया था कि यार हाँ मैं चाहूँगा यही कि मैं जल्दी आ जाऊँ, लेकिन वो जो प्रोसेस से जब आप होके आते हैं ना तो उसका फायदा आपको आगे जिंदगी में बहुत होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ओवरनाइट सक्सेस एक अलग चीज होती है, लेकिन जब आप स्ट्रगल करके चाहता है exactly, मैं भी ये चाहूंगा कि आज मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए, और मतलब हर इंसान काम हम करते ही इसलिए है, लेकिन जब प्रोसेस होके आता है तो उसका अलग फायदा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर अच्छा बताएं मुझे सबसे चैलेंजिंग रोल आपका अभी तक का कौन सा रहा है? सरेरा। अच्छा, सरेरा में मैंने एक इंटरसेक्स बच्चे का रोल किया था, वो बहुत चैलेंजिंग था और मजेदार था, आई रियली एंजॉयड प्लेइंग दैट कैरेक्टर। उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे और बहुत सारे वर्जन किए उसके कि ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो कैरेक्टर बहुत मजेदार। एक्सेलेंट। और जब आप उस कैरेक्टर में थे, वो कहते हैं ना कि एक असली आर्टिस्ट की पहचान यही होती है कि वो बिल्कुल कैरेक्टर में खो जाता है, तो कितना टाइम लगता है उस कैरेक्टर से बाहर आने में? फिर अब मैं आपके बात कि मैंने आज से पहले कभी किसी को नहीं बताया, एक सीन है उसके अंदर जहाँ पे जो मेरे फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नबील भाई, वो बेड पे हैं, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ है, और मैं आता हूँ और मैं सिर्फ उनसे एक मतलब मैंने वहाँ पर रोना है, मतलब रो के एक पूरा सीन है दो पेज का जिसमें मैं उनसे कह रहा था कि पापा आप एक दफ़ा सिर्फ उठ जाएं, आप देख तो लें कि आपका बेटा आज जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, पूरी ज़िंदगी अपनी आपने मेरे सपोर्ट में लगा दी, आज आपका वो बच्चा आज असिस्टेंट कमिश्नर बन गया है, CSS क्लियर कर गया है, मैं चाहता हूँ आप चलें आपकी अगर आई हुई है मौत मर जाए, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा आंखें खोल के अपने बेटे की कामयाबी देख लें जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी जी, कामयाबी देखे बगैर इस दुनिया से ना जाएं। तो वो सीन के अंदर ऐसा हुआ कि मैं असल में रो गया, और मैं इतना रो गया कि जब वो सीन कट हुआ तो उसके बाद मैं रोए जा रहा था और मैं चुप ही नहीं हो रहा था। तो फिर जो हमारे डायरेक्टर थे अहमद भट्टी और सबा कमर सबा जी, वो साथ वो एकदम आए, उन्होंने फिर चुप कराया, थोड़ा 5-10 मिनट मुझे लगे, फिर मैं सीन से वापस आया नॉर्मल लाइफ।
हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो कैरेक्टर भी एक सेंसिटिव है, फिर आप जो रोल प्ले कर रहे हैं वो एक, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि एक आर्टिस्ट की पहचान ही है कि वो उसकी डेप्थ पे चला जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ यूजली लोग स्क्रीन पे देख रहे होते हैं उनके लिए ये होता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है, आ रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं घर चले जा रहे हैं, बट आई थिंक सो इट्स नॉट लाइक दैट। तो अगर मैं इसको इस तरह से रीफ्रेस करूं कि एक्टर्स को, आप बताइए स्टेटमेंट कितनी ट्रू है कि एक्टर्स को उसके पेशेंस की पैसे मिलते हैं, उसके आर्ट के या उसके क्राफ्ट के नहीं मिलते हैं? पैसे जो हम लोग चार्ज कर रहे होते हैं ना, हर एक्टर अपनी जो, जैसे एक एक्टर एक ब्रांड होता है तो अपनी इमेज के चार्ज कर रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि देखें बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं अभी काफ़ी सारे लोगों को ये भी बताता हूँ कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझसे अच्छे होंगे और मुझसे शायद कम पैसों में ले रहे होंगे, और बहुत सारे कुछ ऐसे भी होंगे जो मुझसे कम होंगे या मुझसे जैसी परफॉर्मेंस मैं दे रहा हूँ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर में वो उस तरह नहीं दे पा रहे होंगे लेकिन मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे होंगे। तो ये इंडस्ट्री की डायनेमिक्स हैं, ठीक है, ये हम अपनी परफॉर्मेंस के नहीं, हम अपनी इमेज के पैसे चार्ज कर देते हैं कि यार इस टाइम पे हमारी जो वर्थ है, हमारी क्या वर्थ है, वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि यार इस टाइम पे मेरी वर्थ इतनी है। अगर प्रोड्यूसर को समझ आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो फिर नेगोशिएशन मार्जिन पे होता है। अच्छा, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल योर हाउस इज़ रियली प्रिटी माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा चहलकदमी हो रही है यहाँ पे, तो हाउ मेनी फैमिलीज रिजाइड ओवर हियर, मतलब आप ही हैं या माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली आपकी? नहीं नहीं, मेरी जॉइंट फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बहुत इंजॉय करते हैं इस फैमिली में। जो नीचे वाला जो पोर्शन था वो है मेरा, वो मतलब के सारा ही घर हमारा ही है मतलब, लेकिन जो नीचे का जो मैनेजमेंट है वो एमन के अंडर है और किचन एमन के अंडर है, और जो जहाँ पे अभी हम लोग हैं मेज़नाइन, ये जो है वो मेरा छोटा भाई है जुनेद, और जो उसकी वाइफ है मेरी भाभी फारिया, ये उनके अंडर है इसकी मैनेजमेंट। इससे ऊपर एक फ्लोर है जो जो मेरी वालदा हैं और जो मेरे फादर हैं वो उनका फ्लोर है, वो अम्मी की सरपरस्ती में किचन है, उससे ऊपर एक फ्लोर है जिसपे हमने जो है वो हमारा सबका मुश्तरक है, वो हमने उस पे गजीबो और रूफ टॉप बारबेक्यू और सब चीजें वो हमने वहां पे सेट किया। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, भाई के साथ कितनी नोकझोंक होती है, अभी भी होती है या वो वही बचपन वाली थी? यू गो टू हिम फॉर एडवाइसेस और वो आते हैं आपके पास? असल में एडवाइसेस मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे हम अब कोई मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ या मैं कोई अलग काम शुरू करने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली जब तक मैं भाई और फादर हम लोग तीनों एक बैठ के एक मीटिंग नहीं करते तो हम तीनों में से कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करता, हम तीनों एक दूसरे से बैठ के एडवाइस लेते हैं। मेरा उसके साथ नोकझोंक इस वजह से नहीं होती कि उसका काम बिल्कुल सेपरेट है, जो हमारा फैमिली बिजनेस है वो मैं उसमें एज सच इन्वॉल्व नहीं हूँ, मतलब ये कि उसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ ये होता है कि जब कोई अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ मेरी ज़रूरत है तो फिर मैं वहाँ पर अपनी सर्विसेज देता हूँ, वो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज होती हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हो गया, इशू हो गया तो फिर अदरवाइज जो काम की मैनेजमेंट है, तो जब उसका काम की मैनेजमेंट वो देखता है मैं उसमें बोलता नहीं ना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब आपने मेरा ऑफिस लेकिन है, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे मेरा भी एक ऑफिस है छोटा सा, लेकिन वो बस सफाई होती है, मैं लेकिन आप जाते नहीं है आप कहते हैं बस उसको साफ रखो, अच्छा बरकत रहेगी। कभी कभार चले जाते हैं जब कभी कुछ मिलना हो, कोई आया हुआ तो फिर चले जाते हैं। एक्सीलेंट। अच्छा, आपने कहा नीचे वाला पोर्शन जो है वो एमन के डिपार्टमेंट में है, तो एमन नजर नहीं आ रही है, वो किचन में ही होंगी? एमन इस वजह से नजर नहीं आ रही है क्योंकि जो मिरल है वो टीथिंग पे है, उसके दांत निकल रहे हैं, और जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो जो मदर्स हैं वो रिलेट कर सकती हैं इस बात से कि बड़ा टफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। रमजान भी है, रोजा भी है, और माशाल्लाह पाकिस्तान का सिस्टम इतना जबरदस्त है, आपको पता है गैस आती सिर्फ 2 घंटे पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी अभी गैस आई है और 2 घंटे के लिए आई है भाई, हम पता नहीं हमारे अल्लाह बरकत दे इस मुल्क को। मैं आपको बताऊं, हम जिस एरिया में अभी हम है ना, आज तक कभी यहाँ पे कोई भी हमें बल्दियाती अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं था, माशाल्लाह कुछ भी, मतलब ना हमें पानी का इशू है ना यहाँ पे जिस तरह दूसरे एरिया में पानी है, टैंक डलते हैं, लाइन्स ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत सुकून है, ना पानी का इशू था ना गैस का इशू था, और कोई लोड शेडिंग भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया पिछले 6 महीने में, अभी तो 2 महीने से पानी भी नहीं आ रहा। इसी तरह आपने किसी को बताया होगा और नजर लगी होगी यार, कसम से 2 महीने से तो पानी नहीं आ रहा, टैंकर डलवा रहे हैं, गैस नहीं आ रही, पता नहीं क्या सिलेंडर रखा था, अब तो सिलेंडर भी नहीं रखते, एक तो पहले ब्लास्ट हुआ था तो अब सिलेंडर भी नहीं रखते हम घर में, तो वो इलेक्ट्रिक सब ने वो रखे हुए हम लोगों ने लेके, बस दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा भाई, अच्छा यू हैव टू टेल मी एमन के बारे में कोई एक अच्छी बात और एक अनोइंग हैबिट, एंड देन यू हैव टू टेल मी योर अनोइंग हैबिट एंड योर अच्छी बात। अच्छा, एमन की अच्छी बात ये है कि शी इज वेरी केयरिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है भी अफ्तारी, उसको पता है कि मुनीब ने क्या खाना है तो वो नीचे रेडी करवा रही होगी, और जब मैं हम अफ्तारी की टेबल पे बैठेंगे तो जो, क्योंकि मेरा जो खाना होता है वो सबसे डिफरेंट खाना होता है, ना मैं रोल समोसे पकौड़े
खैर इनमें से मैं कुछ नहीं खा सकता, ठीक है, मतलब खा सकता हूँ, खा सकता हूँ, खा लेता हूँ कभी कभार, कोई ऐसा सच वो नहीं है, लेकिन ये कि अब नहीं प्रेफर करता खाना, तो मेरा एक सेपरेट खाना बनता है, वो मुझे पता नीचे वो रेडी करवा रही होगी। उसके अलावा जो अनोइंग हैबिट है वो ये है कि शी इज़ वेरी शॉर्ट टेम्परमेंट और उसको बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, चला भी जाता थोड़ी देर में, लेकिन बहुत ही जल्दी जो है ना वो उसको शॉर्ट टेम्परमेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो गया। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। और आपके बारे में? मेरे बारे में मेरी अनोइंग हैबिट क्या होगी यार, मेरी अनोइंग हैबिट ये है कि मैं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत लीथल है और कभी कभी जो है वो हर इंसान को, अच्छा असल में पंजाबियों में क्या होता है कि पंजाबियों का ह्यूमर एक डिफरेंट लेवल का, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे लिए जो बात नॉर्मल है ना वो, जो जैसे जो कराची में जो लोग रहते हैं या जो जैसे आप उर्दू स्पीकिंग, तो मैं भी हूँ, मैं पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची, लेकिन ये कि यहाँ पे जो है ना लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मैंने देखा है बहुत ज्यादा, ऑब्जर्व किया है कि पंजाबी ह्यूमर जो है ना वो यहाँ पे बड़ा ऑफेंसिव समझा जाता है, हमारे लिए वो नॉर्मल है, तो वो शुरू शुरू में ये होता था कि हम, मैं तो ऐसी जोक्स क्रैक करता हूँ, ऐसी करता तो उसको बड़ी वो, हाँ क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज है ही बहुत ज्यादा लाउड और दूसरों को लग रहा होता है लड़ रहे हैं, हालांकि से बात कर रहे होते हैं, कन्वर्स कर रहे होते हैं, हम हर चीज में लाउड है, बिल्कुल ऐसा ही, हमारी कोई तकरीबात हो हम उसमें लाउड है, हमारे यहाँ छोटी छोटी खुशियां उसमें लाउड है, लड़ाई उसमें भी लाउड है, पंजाबियों का जो है ना वॉल्यूम खुले रहे, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब खुशियों की बात आ रही है, लाउड होने की बात आ रही है, तो आई वुड यू नो शूट अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जब आप बाप बने थे वो क्या फीलिंग थी एंड हाउ हैज दैट चेंज्ड यू? बहुत चेंजेस आते हैं, फीलिंग तो डेफिनेटली ओवरवेलमिंग एक फील होती है, आप उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, फील यूफोरिक, बट चेंज जो आता है वो डेफिनेटली बहुत चेंज आता है यार, जब आप फादर हो जाते हैं तो फिर आपको एक दिमाग में ये चीज़ रजिस्टर हो जाती है कि ना आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और बाकी लोगों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, ऐसा ही है, तो फिर बहुत सी चीज़ों के अंदर बंदा समझ जाता है, अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेता है बहुत सी बुरी आदतों से और जो लाइफ ट्रैक पे आ जाती है, आती है, मैंने देखा, अब मेरी तो आई है और बहुत से लोग एक्सेलेंट आए। चलें जरा हम इफ्तारी की टेबल पे चलते हैं। अच्छा जब हम इफ्तारी की टेबल पे जा ही रहे हैं और जाहिर सी बात है आपकी मैरिड लाइफ भी चल रही है, फिर मैरिड लाइफ में आपके जो हैं वो साले भी हैं तीनों, तो जो वो होता है कहना चाहिए बहनोई जिसे कहते हैं, बड़ा फादर रोल प्ले करता है, बड़ा फ्रेंडली रोल भी प्ले करता है, डरता कौन है सबसे ज़्यादा आपसे? मुझसे सबसे ज़्यादा मुझसे कोई भी नहीं डरता, मतलब मैं डरा के नहीं रखता, मेरी ये पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी बहुत फ्रेंडली है। आई थिंक जो हम लोगों ने एक दामाद का कैरेक्टर बनाया हुआ था ना, जो हम अपने ड्रामों में दिखाते हैं, जो बड़े सख्त होते हैं और बहुत ही जो है वो सख्त मिजाज होते हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा होता है कि आप फ्रेंडली हो जाओ, और फ्रेंडली होके आई थिंक ज्यादा जो है वो आपकी रिस्पेक्ट रहती है, बनिस्बत इसके कि आप झूठी रिस्पेक्ट बनाएं और एक अपने एक ऑरा क्रिएट करें। आए जी आए, प्लीज हैव अ सीट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई नो आप डाइट कॉन्शियस भी हैं, जाहिर सी बात है एज पर योर रोल आपको थोड़ा सा फिट फैट भी रहना पड़ता है। तो अच्छा रोल, आप अपने रोल के हिसाब से फिट फैट रहते हैं? हाँ डेफिनेटली, जैसा कैरेक्टर हम प्ले कर रहे होते हैं उस वक्त में, तो उसी हिसाब से जो है वो बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। मुझे याद है जब मैं सरेराह शूट कर रहा था, तो क्योंकि जो कैरेक्टर था उसमें जो है वो नॉर्मली मेरे थोड़े से मसल्स हैं, तो मतलब मसल्स के मुराद ये कि थोड़ा सा साइज है मेरा जेनेटिकली, मैं कुछ भी कर लूँ जितनी भी मैं डाइट कर लूँ एक स्टैंडर्ड साइज से कम मैं हो ही नहीं पाता। तो जब मैं सरेराह शूट कर रहा था, शूट से पहले मैंने आई थिंक 20 डेज बिफोर मैंने कोई भी बॉडी पार्ट, जो जितने भी बॉडी मसल्स हैं सबकी एक्सरसाइज छोड़ दी थी और सिर्फ कार्डियो किया था, ताकि मेरे जो मसल्स हैं वो बिल्कुल जो है वो अपने बिल्कुल स्मॉलर साइज पे आ जाएं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा मुनीब बट एज अ विलन और अ रोमियो रोडी? यार इट डिपेंड्स ऑन अ स्टोरी, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं आजकल, जैसे स्टोरीज आ रही हैं उसमें जो है वो नेगेटिव लीड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, जैसे अभी मैं ड्रामा कर रहा हूँ शिद्दत, तो इसमें कैरेक्टर तो वो नेगेटिव नहीं है, इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, लेकिन वो कैरेक्टर इतना अच्छा था तो फिर मैंने वो किया। मैं ये इस चीज़ से मैं हट जाता हूँ कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं देखता हूँ कि एक अगर ये स्टोरी एक तो इंटरेस्टिंग है, सेकंड थिंग ये जो कैरेक्टर मुझे ऑफर हो रहा है उसमें मेरे पास करने के लिए एज एन एक्टर कितना मार्जिन है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आई एम गोना टेक फ्यू नेम्स ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस और आपको बताना है ये कौन से इफ्तार आइटम्स हैं, ठीक है? अच्छा अच्छा जी। अच्छा सबसे पहले रमशा खान, रूह अफ़ज़ा। ओके अच्छा क्यों ऐसे? ओके अमारा खान, अमर खान। हाँ अमर खान अमर खान अमर खान
पकौड़े. ओके ठीक है जी. अच्छा सबा कमर फ्रूट चाट. अच्छा मिक्स ऑफ एवरीथिंग. हाँ एक्सेलेंट. एमन एमन. हाँ एमन दही बड़े. ओके मिनाल. मिनाल आलू छोले. ओके एंड हुमायूं सईद. हुमायूं सईद. हुमायूं सईद चीज रोल. ओके इमरान अशरफ. इमरान अशरफ. इमरान अशरफ कैन बी समोसा. ठीक है. क्रस्टी फ्रॉम द आउटसाइड एंड सॉफ्टी फ्रॉम द इनसाइड. एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट. थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना बिजी वक्त में से टाइम निकाल के दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. लास्टली जस्ट रमज़ान के हवाले से हमारे व्यूअर्स को छोटा सा मैसेज देते जाते जाते हैं. यार मैसेज बेसिकली ये है कि सब लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान एक बहुत टफ इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है. सो इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते, जो बहुत सारे लोग ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं. तो माई मैसेज वुड बी कि हमें सिर्फ अपना ही नहीं, अपने साथ सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनका भी ख़ास ख्याल रखना है. और वो लोग जो बेचारे बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं इस इन्फ्लेशन की वजह से, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमने उनका ख्याल करना है और हमारी ड्यूटी है कि हमने उन तक चीज़ें पहुँचानी हैं. सो इस चीज़ को ज़रूर इसको कंसिडर कीजिएगा. एंड थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे घर पर आए. एंड बस अब अजान होने में आई थिंक 2-3 मिनट ही बाकी. बिल्कुल ऐसा ही है. आप लोग अपनी अपनी नशिस्तें संभाल लें, परवाज जो है वो उड़ान के लिए तैयार. बिल्कुल ऐसा ही है. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड रमजान मुबारक एंड खुदा हाफिज़. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. आज